Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 18, too much water and too little water. Too much water and little water में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और आज हम continue करते हैं question answer जो थोड़े से बाकी रह गए. आज हमारा ये chapter पूरा done हो जाएगा, okay? Question answer के साथ. ओके लास्ट पीरियड में हमने ये देखा था कि जैसे बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई है कि उनकी स्कूल में किस टाइप के टैप है, मटका है, पंप है, क्या है, हैंडपंप है, वो आपको सर्वे करना था. तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर थे. फिर टॉयलेट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कि टॉयलेट किस तरह से है, कैसे यूज होता है, वहाँ पे टैप है या नहीं है, वो सारी चीजें. ओके तो कंटिन्यू करते हैं. जैसे पेज नंबर हमारा पेज नंबर 153 से बाकी था. ओके दो हाउ ऑफन वंस अ डे, वंस इन अ टू डेज एक्सेट्रा आर द कंटेनर्स और मटका एंड लेडर क्लीन, हु क्लीन दैट. तो जो भी आपके स्कूल में मटका है, कंटेनर है, जो वाटर जहाँ से आप पीते हो, ड्रिंक करते हो, वो वाटर का जो भी कंटेनर है, मटका है, लेडर्स है, उसे कौन क्लीन करता है और कब कब क्लीन होता है. तो आई थिंक एवरी डे वो चीज़ें क्लीन होती है हमारे स्कूल में, तो होती ही है, एवरी डे क्लीन करते हैं. तो कौन की क्लीन करता है, प्यून क्लीन करता है. ओके ये जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या है कि आप मैं ओरली ही बताऊंगी, सारे बोर्ड पे लिखाऊंगी नहीं. ओके ये आप इजीली अपने आप ही लिख सकते हो. ओके तो आंसर आएगा यस इट इज क्लीन वन इन अ डे अ प्यून क्लीन थैन. क्या है यस इट इज क्लीन वंस इन अ डे एंड इट क्लीन अ प्यून. कौन क्लीन करता है, अ प्यून क्लीन थैन. कौन करेगा, अ प्यून क्लीन थैन. नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मेनी टैप्स मटका और हैंडपंप आर देयर. Are there sufficient for children? तो हमारे स्कूल में पहले तो आपको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट हैं. ओके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मटका है, टैप्स है या हैंडपम्प है वो कितने हैं, एंड जो जितने हैं वो सफिशियंट है, मतलब इनफ है सारे स्टूडेंट को, वो हो जाएगी इक्वली कि मतलब ज़्यादा एक ही टैप है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना. तो या हमारे स्कूल में तो सफिशियंट है क्योंकि नीचे जो वाटर रूम कितने हैं हमारे पूरी स्कूल में, 1, 2 एंड ऊपर के फ्लोर पे भी है 3 वाटर रूम है, फ्लोर वाइज वाटर रूम है. तो फ्लोर वाइज वाटर रूम है एंड उसमें भी 10 टैप्स तो है ही, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ सफिशियंट. तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है, तो हम सिर्फ हमारे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो कितने हैं, 500 जितने हैं. हम अप्रोक्सीमेट फिगर हमें लिखना है कि नहीं कि टोटल फिगर लिखना है, तो हम लिख देंगे कि देर आर अबाउट 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड देर आर 20 ड्रिंकिंग वाटर टैप्स. देर आर 20 ड्रिंकिंग वाटर टैप्स तो इट इज अ सफिशियंट फॉर ऑल ऑफ अस. क्या फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपको लिखना है तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 153 के क्वेश्चन से मैं आंसर बोल रही हूँ कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर अपने आप फिल करना है. मैं ओरली बता रही हूँ, आपको लिखना है. ओके तो देयर आर अबाउट 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल एंड देयर आर In my school and there are 20 drinking taps. There are 20 drinking taps in water taps. There are 20 drinking water taps. It is sufficient for all of us. It is sufficient for all of us. इस तरह से लिख देना है. फिर से रिपीट कर देती हूँ. There are 500 students in my अबाउट लिख देना है. मैं फिर से रिपीट करूँ, देर आर अबाउट 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड देर आर 20 ड्रिंकिंग टैप्स इन अ वाटर रूम, इट इज सफिशियंट फॉर ऑल ऑफ अस. द नेक्स्ट हु क्लीन द प्लेस नियर द वाटर, तो आपके वाटर रूम के पास वाटर रूम वाला जो एरिया है वो कौन क्लीन करता है, तो वो जो प्यून है
spilt go? Where does the water that is spilt go? तो water कहाँ पे चला जाता है? तो वो सारा water drainage line में, gutter line में जाता है, okay? तो spilt go, तो water that is spilt go to the sewer line. Sewer line मतलब sewer line मतलब जो drainage line होती है, gutter line होती है वहाँ पे. तो ये क्वेश्चन आंसर जो बाकी है हमारे वो आज हम लिख लेते हैं, ओके? तो पेज नंबर 150 उसके बाद जो है वो एक्टिविटी है. जैसे यहाँ पे देखा है, आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल और बॉय? तो यस, गर्ल और बॉय के लिए सेपरेट टॉयलेट है. इज देयर वाटर इन द टॉयलेट? तो यस, उसमें भी राइट टिक करना है. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? द टैप्स, फिल्ड कंटेनर्स. Has to be both for home. तो नहीं, कोई हम होम घर से पानी लेके आते हैं टॉयलेट के लिए, नहीं, तो वो हमें यहाँ पे ही मिल जाता है. इसलिए हमें कहाँ पे टिक करना है? The tap and then second fill container. कि अंदर कंटेनर भी भरे हुए होते हैं. Is there water for washing hand near the toilet? तो yes, उसमें भी आपको कहाँ पे टिक करना है? Yes. Then do you wash your hand after using the toilet? तो आंसर आएगा यस, हम टॉयलेट, आप सब लोग टॉयलेट जाने के बाद क्या हैंड वॉश करते हैं? तो आंसर आएगा यस. Is there any tap that is leaking or dripping? तो नो, अगर यस आपने कहीं देखा है तो यहाँ पे यस टिक कर देना है, अदरवाइज नो पे टिक करना है. Are the toilet kept clean? तो यस, टॉयलेट हमारे क्लीन होते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? तो स्कूल में कितने बॉयज एंड गर्ल्स है? तो अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो 265 गर्ल्स एंड 321 बॉयज. हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी टॉयलेट्स फॉर बॉय? तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, जो आप अपने आप लिख सकते हो. हु कीप द प्लेस क्लीन? Who keep the place clean? तो प्लेस जो है वो कौन क्लीन करता है, वो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में वो क्वेश्चन लिखा दिया था. ओके, व्हाट कैन वी डू कीप दिस प्लेस क्लीन? तो आज हमारे जितने बाकी है वो कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो फर्स्ट है मैंने लिख के रखा है, व्हाट कैन वी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन? कि टॉयलेट क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट यूजिंग टॉयलेट क्लीनर. क्या करना है? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट यूजिंग टॉयलेट क्लीनर. कि हम लोग जो, ये ऐसा नहीं कि स्कूल के टॉयलेट की बात नहीं हो रही है, हमारे घर में जो टॉयलेट है उसी की बात हो रही है. तो उसे हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए? तो हमें रेगुलरली टॉयलेट को क्लीन करना चाहिए. किससे? टॉयलेट क्लीनर से. जैसे मैक्सिमम जगह पे सब लोग हार्पिक यूज करते हैं, फिर वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, उससे क्लीन करते हैं. तो बहुत सारी चीजें होती है टॉयलेट क्लीनर के लिए, तो वो यूज करके टॉयलेट क्लीन करना चाहिए ताकि कोई भी जर्म्स वहां पे रहना जाए. देन नेक्स्ट है फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर एवरी विजिट. जब भी आप टॉयलेट जाओ तो फ्लश करना नहीं भूलना है. फ्लश करने आप भूल जाओगे तो टॉयलेट गंदा भी हो जाएगा एंड वेरी बैड स्मेल आएगी, जिससे आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है. तो फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर एवरी विजिट, जब भी आप टॉयलेट जाओ आपको फ्लश करना कंपलसरी है. देन नेक्स्ट है यूजिंग सेपरेट पेयर ऑफ स्लीपर फॉर टॉयलेट. ये घर की बात हो रही है, दैट्स व्हाई कि जब भी आप क्या करो टॉयलेट करने जाओ तो वहाँ पे एक सेपरेट स्लीपर रखनी चाहिए और वो यूज करनी चाहिए. ओके, जिसकी वजह से हमारे लेग्स भी डर्टी नहीं होंगे. डर्टी मतलब वो हमारा घर का टॉयलेट इतना क्लीन होता है, बट फिर भी क्या होता है कि वहाँ पे जर्म्स हो ही जाते हैं. और वही चीज़ हम विदाउट स्लीपर हम टॉयलेट में जाएंगे, फिर वही हम बाहर निकल आएंगे, तो वो सारे घर में उसके क्या हो जाएंगे, मार्क रह जाएंगे, तो वो गंदा होता है. ओके, यूजिंग सेपरेट पेयर ऑफ स्लीपर फॉर टॉयलेट. ओके, तो इसे रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट यूजिंग टॉयलेट क्लीनर. नेक्स्ट है फ्लशिंग द टॉयलेट आफ्टर एवरी विजिट. नेक्स्ट है यूजिंग स्लीपर पेयर ऑफ
मतलब ये जो है वो किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, एंड व्हाट कैन ईच ऑफ अस, मतलब हम सबको क्या करना चाहिए टॉयलेट क्लीन रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि घर में मम्मी सारा क्लीन करती रहे, है ना, मैक्सिमम चीजें क्लीन कौन करते हैं, मम्मी करती है। ओके, तो मम्मी कई ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी वो अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। तो फर्स्ट है, वी शुड नेवर फॉरगेट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर एवरी विजिट, तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी कि टॉयलेट फ्लश करना है। ओके, देन नेक्स्ट है, वी शुड यूज एयर फ्रेशनर इन द टॉयलेट। टॉयलेट एक ऐसी प्लेस है जहाँ से गंदी स्मेल आती ही है, चाहे तो टॉयलेट को जितना भी क्लीन रखेंगे ना फिर भी बैड स्मेल आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो इसलिए हमें रूम फ्रेशनर यूज करना चाहिए। अदरवाइज टॉयलेट के अंदर लगाने के भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ओडोनिल के होते हैं, पाउच होते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, हार्पिक वालों का भी आता है, तो वो आप अंदर टॉयलेट में लटका दोगे, लगा दोगे, तो क्या होगा कि वो बैड स्मेल बाहर नहीं आएगी और टॉयलेट भी एकदम बैडली स्मेल नहीं करेगा, अच्छी सी स्मेल आएगी, तो वो यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट, वी शुड रेगुलरली क्लीन इट यूजिंग टॉयलेट क्लीनर, वैसे ही जैसे इस टॉपिक में था वैसे ही उसे भी क्लीन करना है। तो ये क्वेश्चन का जो है पॉइंट सेम ही है, पर यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है कि व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, हम क्या कर सकते हैं एंड हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं एंड क्या करना चाहिए। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, दो मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन टॉयलेट एट 3 नंबर, हैव यू सीन टॉयलेट एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, बस और रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द, हाउ आर दे डिफरेंट, डिफरेंट from the toilet at home, from the toilet at home. Question हमारा ये है, have you seen toilet at bus stands or railway station? How are they different from the toilets at home? मतलब वो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट देखी ही होगी, और जो हमारे घर में टॉयलेट है तो वो टॉयलेट्स में डिफरेंस क्या है। ओके, तो आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, टॉयलेट एट द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, द टॉयलेट एट बस stand and railway station are usually not usually not very clean, not
by everyone. They are used by everyone. Where is the toilet at home? Where is the toilet? हमारे घर के टॉयलेट में तो आएंगे यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर है और हमारे घर में जितने मेंबर है उतने लोग ही यूज करेंगे, वो प्राइवेट टॉयलेट है, दैट्स व्हाई हमारे घर के टॉयलेट क्लीन है। एंड जो रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड पे जो टॉयलेट्स होते हैं वो प्राइवेट नहीं होते हैं, वो पब्लिक प्लेस पे है ना। जैसे हमने नंदिता एंड मुंबई में भी देखा था, वो वाला चैप्टर में भी देखा था कि वहाँ के टॉयलेट एकदम डर्टी है क्योंकि वहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम थी एंड सारे स्ट्रीट के लोग एक दो जो दो तीन टॉयलेट थे वही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो जो ज़्यादा क्लीन नहीं होते फिर भी बहुत सारी जगहों पर अभी तो आप देखोगे ना तो पे एंड यूज़ वाले टॉयलेट निकले हैं। ओके, जहाँ पे आपको 1 या 2 रुपीज पे करने हैं तो वो वाले टॉयलेट थोड़े से क्लीन होते हैं, ज़्यादा डर्टी नहीं होते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे देखोगे तो वहाँ पे भी टॉयलेट बहुत ही क्लीन है। ओके, तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, बट बहुत सारी जगह पे ये क्या होता है कि पब्लिक टॉयलेट होता है कि कोई भी आ जाता है, कोई भी गंदा करके चला जाता है तो वहाँ हम किसी को पकड़ने नहीं जा सकते, तो वहाँ का यूजली क्लीन नहीं होता है। ओके, तो ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, नेक्स्ट जो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए, नेक्स्ट जो हमें फुलगुंडी वाली जो स्टोरी थी उसके रिलेटेड है। तो व्हाई डिड फुलगुंडी होलगुंडी नॉट हैव वाटर शॉर्टेज अर्लियर? फोर नंबर, व्हाई डिड होलगुंडी नॉट हैव water shortage? बड़ा इम्प्रूवमेंट लाया था उन लोगों ने, और वहाँ की बात हो रही है कि why did होलगुंडी not have water shortage earlier, मतलब पहले अभी थोड़े 4-5 years से उनको वाटर की प्रॉब्लम हो रही थी, बट उससे पहले क्या कंडीशन थी, तो वो अर्लियर शॉर्टेज नहीं थी, तो क्यों शॉर्टेज नहीं थी और अभी क्यों शॉर्टेज आ गई? ओके, तो पहले there was a big tank on there was
In Holgundi
Karnataka is called Das. तो यहाँ पे आंसर आएगा भीमासम, भीमासम। ओके, देन थ्री नंबर, है द हार्ड वर्क ऑफ द हार्ड वर्क हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।